माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय सांसद जी महोदया द्वारा आज की इस वर्चुअल मीटिंग जो रखी गई है उसके लिए शिक्षक परिवार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय सांसद महोदया जी एवं जो है डॉक्टर साहब देवेंद्र भाई साहब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सांसद महोदया जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने शब्दों में ही सभी शिक्षकों को अनुरोध करें और एक बार उन्हें शिक्षक परिवार की तरफ से सभी को साधुवाद। आज सभी शिक्षक गणों से मेरा जुड़ना हुआ और आप सबसे मैं संवाद कर रही हूँ। ये मुझे पहले ही करना था लेकिन समय के अभाव के कारण थोड़ा लेट हुआ। डॉक्टर साहब से पहले भी कहा था लेकिन वो सब काम जब समय पे होने होते तभी होते हैं। तो आज इस शिक्षक गण की सभी वर्चुअल बैठक में मेरे साथ जुड़े हुए सम्मान्य भाई साहब और सभी सम्मानित शिक्षक गण और सभी वर्गों से अगर अन्य भी जुड़े हुए ऐसे मेरे सभी भिंड नगर के सभी मेरे सम्मान्य नागरिक गण, आज वर्चुअल के माध्यम से आप सबसे जुड़ना हुआ। और वास्तव में जो वर्चुअल बैठक है, जब कोरोना चला हुआ शुरुआत हुई थी कोरोना की, उससे पहले हम वर्चुअल बैठक को मुझे नहीं लग रहा था कि हम करते थे कभी, लेकिन कोरोना के संकट में इस वर्चुअल बैठक को बढ़ावा मिला और आज वास्तव में ये वर्चुअल बैठक के माध्यम से बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं और कोटों की बैठकें चल रही हैं, अपीलें चल रही हैं, बच्चे पढ़ाई भी इसी के माध्यम से कर रहे हैं। कहां से कहां हम पहुंच गए एक बीमारी के कारण। तो समय बहुत कुछ सिखाता है कि समय के हिसाब से परिस्थिति किस तरह बदलती है। तो इस कोरोना के कठिन समय में पार्टी के माध्यम से हो, चाहे संगठन के माध्यम से हो, चाहे आप सब के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, आप सभी शिक्षक गण का भी इसमें बड़ी भूमिका रही और आप सबने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। आप सबने कहीं ना कहीं सहयोग करते हुए, जिस तरह कोरोना के समय में जो मजदूर वर्ग परेशान हो रहा था, कहीं कहीं से हमारे भिंड के 50,000 के करीब मजदूर थे मेरे लोग सबके, जो कहीं सूरत से, कहीं हैदराबाद से, कहीं अहमदाबाद से, अनेक कोई प्रदेश नहीं था जहां से अपने क्षेत्र के लोग वहां से यहां लौट नहीं रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में आप सबका भी सहयोग मिला और जितना मुझसे हो पाया मैंने भी किया और अन्य प्रदेशों के जो हमारे पार्टी के लोग थे, जो समाज सेवी थे, जो आप लोगों जैसे शिक्षक भी थे, ऐसे कई लोगों से चर्चा के आधार पर उन लोगों की मैंने मदद भी की, क्योंकि अकेले कुछ नहीं होता। आप सबका सहयोग और जिन्होंने सबने सहयोग किया उन सबके सहयोग से हम सफल हो पाए और इस कोरोना के संकट में भी हम सब अपने भिंड जिले के लिए अपनी तरफ से हम सबने अपनी ग्वालियर से भिंड होते हुए इटावा मार्ग है वो 4 लाइन है, 6 लाइन होनी चाहिए क्योंकि प्रतिदिन उस पर घटनाएं घटती है प्रतिदिन। मैंने थाने से सभी थानों से रिपोर्ट मंगवाई तो उस रिपोर्ट में यही निकला कि एक हाथ नहीं जाता है अन्यथा कोई ना कोई घटना ग्वालियर से लेकर भिंड के एरिया में होनी ही है। तो ये बड़ा खतरनाक रोड हो गया है, इसलिए 4 लाइन है 6 लाइन में परिवर्तित होना चाहिए। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है, केंद्र में भी दिया है और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उसको योजना में जोड़कर केंद्र को भेजा जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। आदरणीय सांसद महोदया एवं मेरे जिले के विद्वान शिक्षक साथियों, प्राइवेट एवं गवर्नमेंट, मैं राकेश राजपूत गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलपुरा से निवेदन कर रहा हूं। जैसा कि विदित है कोरोना काल में मित्रों बड़ा कठिनाई का समय जरूर रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी हमारे गवर्नमेंट के शिक्षकों एवं प्राइवेट शिक्षकों ने कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना काल में अध्ययन अध्यापन का कार्य किया है। जैसा कि आदरणीय महोदया मैं आपको अवगत करा दूं, भिंड जिले में हमारे गवर्नमेंट विद्यालयों की ओर से ऑनलाइन क्लासों का संचालन किया जा रहा है जो 1 जुलाई से निरंतर संचालित है, जिसमें हमारे भिंड जिले के अलावा हमारे प्रदेश के सभी जिलों के हमारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और नियमित बाल सभा शनिवार के दिन और हमारे संडे के दिन अंताक्षरी का कार्यक्रम विधिवत रूप से किया जाता है, जिसमें हमारे प्रदेश के सभी विद्यार्थी बड़े ही तल्लीनता से और उत्सुकता से भाग ले रहे हैं
और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपसे कि हमारे भिंड जिले में कोई भी ऑनलाइन संचालन के लिए गवर्नमेंट विद्यालयों में स्टूडियो नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था भिंड जिले में कहीं भी हो जाए तो हमारे गवर्नमेंट टीचर मिलके अच्छी तरह से ऑनलाइन क्लासों का विधिवत संचालन कर सकते हैं। और कोरोना काल में शत प्रतिशत नहीं तो मुझे उम्मीद है लगभग अच्छे परिणाम तो दे ही सकते हैं। इसलिए आपसे हमारे जिले की आप प्रमुख होने के कारण MHRD के माध्यम से या हमारी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से या राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से या हमारे कलेक्टर महोदय के माध्यम से जहाँ भी संभव हो एक डिजिटल रूप में हमारे गवर्नमेंट विद्यालय को अगर ऑनलाइन स्टूडियो मिल जाए तो जिससे हम बेहतर प्रसारण कर सकें। कोरोना की वजह से आज स्थिति ऐसी स्थिति बिगड़ी है उसको सुधारा जा सके, इस ओर सरकार भी कदम उठाए, इस नाते में जरूर प्रयास करूंगी। कोचिंग संचालित कर रहे हैं 1-1 घंटे के अंदर, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पर थोड़ा सा इस विचार किया जाए कि जिन विद्यालयों की जितनी क्षमता है उसी के अनुसार उनमें अगर प्रवेश रखे जाए तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या अपने साथ में ये हो जाएगी कि कल को अगर विद्यालय खुलते हैं जैसे अभी सर ने अपने सामने बात रखी तो इनके विद्यालय के बच्चों का क्या होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको नजदीकी स्कूलों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको प्राइवेट में भेजें, चलो ठीक है पालक अभी शासकीय में फीस क्यों प्राइवेट में फीस लगती है, कोरोना काल में विद्यालय संचालित नहीं हो रहा है, उनकी क्या क्या दिक्कतें आई है कोविड के और सरकारों से हमें क्या उम्मीद है और क्या सरकार अपने को सहयोग कर सकती है, तो उसमें कुछ चीजें मुझे आप बताएं, उनके आधार पर मैं प्रदेश सरकार को पत्र लिखूंगी कि आपको ये परेशानी आ रही है और इसमें प्रदेश सरकार सहयोग करे या केंद्र सरकार, मतलब दोनों सरकार है तो कहां सहयोग होगा, वो सरकार दोनों ही बीजेपी की है तो कहीं ना कहीं जो सहयोग मिले आप लोगों उसमें, जिससे कि अपनी आने वाले समय में कोविड के समय आपका भी काम चले और बच्चों को भी शिक्षा मिले, ये दोनों विषय आ जाए उसमें। और दूसरा विषय तो बहुत है लेकिन अभी कोविड आपके लिए है तो कोविड सबके लिए है, कोविड के समय में आप सबको पता है किस तरह चीजें हो रही है, अभी सारा फोकस स्वास्थ्य पे दिया जा रहा है और शिक्षा भी महत्वपूर्ण है, अभी सबसे ज्यादा हालत वास्तव में बच्चों की खराब हुई है, बच्चे जिस तरह घर पर डिप्रेशन में आए हैं, जो बच्चे समझदार है वो तो ठीक है लेकिन कुछ बच्चे वास्तव में इस कोविड के समय में डिप्रेशन में गए हैं क्योंकि घर में एक बंद होते अभी एकदम रहे नहीं और फिर एकदम घर में बंद रहे तो अच्छे अच्छे बड़े लोग भी डिप्रेशन में आए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बीमारियां भी उत्पन्न हुई हैं, तो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सरकारों से क्या इच्छा रखते हैं, हम क्या मदद कर सकती है सरकारें, उस बिंदुओं को लेकर अपन अपने पत्राचार करें और मैं भी उसमें आपका सहयोग करूंगी, जो भी आप लोगों की मदद सरकार के माध्यम से हो पाए निश्चित तौर पर करूंगी और आपकी बात ऐसा एहसान कर रहा हूँ, यही मैं कहना चाह रही थी। अब भैया कौन बोल रहे हैं, वर्तमान में ADPC का प्रभार भी देख रहा हूँ मैंने, दीदी अभी अवधेश जी को सुना जी, राकेश जी को सुना, ममता शर्मा जी को सुना और तोमर साहब बोल रहे थे, तोमर साहब को भी सुना। ऑब्वियसली कोरोना काल में संकट की घड़ी हम सबके लिए रही है, स्ट्रेंड रही है, सबने सफर किया है, हमारे प्राइवेट स्कूल के संचालकों की जो समस्याएं हैं वो दृष्टिगत हैं, सब कुछ है, लेकिन सबके बीच में एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है, हमको उसकी तरफ भी सोचना पड़ेगा। इस वर्ष हमारे जिले में लगभग 8,000 से 10,000 बच्चों के नामांकन में कमी आई है, तो ये 10,000 बच्चे कहाँ हैं इनका भी सोचना पड़ेगा, ड्राफ्ट डाउन में कल जवाब देना होगा जिले को कि बच्चे कहाँ गए हैं, तो इस संदर्भ में भी सभी लोग थोड़ा सा मैं सभी भाइयों से समय भी हो गया है और मुझे दूसरी बैठक में भी जुड़ना था, इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि कभी कभी जैसे आप सब लोग भी थोड़ा टीम बनाकर बैठ लीजिए क्योंकि बहुत सारे टकराहट हो रही है ना, तो ये खत्म हो जाएंगे, आप सब लोग बैठ लें और फिर मेरा इसमें क्या सहयोग होगा, आप उन सरकारों से क्या सहयोग ले सकते हैं, ये थोड़ा चर्चा करके आप लोग पत्र बना लें और निश्चित तौर पर मेरे साथ आप सब लोग बैठ लें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का, बहुत बहुत धन्यवाद।